सत श्री अकाल एवरीवन, वेलकम टू द चैनल हर जी। कितना सारा होप तुझे आप बताइए। कुछ टाइम पहले ना हम लोग ट्रिप पर गए हुए थे। जब आप ट्रिप पर होते हो आपको चाह के ना चाह के भी बाहर के खाना खाना पड़ता है, और उसे होता ये है कि आपका एंड ऑफ द ट्रिप टमी भी खराब होने लग जाता है और आपका दिल भी उठ जाता है बाहर के खाने से। अब दो तीन दिन हो गए हमें अपने घर आके, वापस आते ही हम लोग ना एकदम सिंपल लाइट फूड खाने लग गए, जैसे कि खिचड़ी, मूंग दाल, राइस, ये सब खा के भी बोर हो गए हैं, क्योंकि रोज रोज तो आप खिचड़ी नहीं खाओगे, है ना। अब कुछ चटपटा मसालेदार खाने का दिल कर रहा है लेकिन हैवी ना हो, तो ऐसी कौन सी चीज़ है फिर आखिर बनाए तो बनाए क्या, है ना, जो कि हैवी भी ना हो, चटपटी भी हो, मसालेदार भी हो। तो बड़ा मैंने सोचा यार, पहले मेरे दिमाग में ऑप्शन आई नॉनवेज की। अब नॉनवेज फिर से हैवी हो जाएगा, नॉनवेज खाना नहीं है। और वेज में आ जाके पनीर की ऑप्शन आती है। अब पनीर मेरा फेवरेट है, खाने में भी यम्मी लगता है, लेकिन पनीर भी खाने के बाद ना हैवी हो जाता है। अब हैवी कुछ नहीं खाने का दिल है, तो करे क्या, बनाए तो बनाए क्या। काफ़ी मैंने सोचा, मुझे एक बहुत ही बढ़िया चीज़ मिली, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। वह जी ये टेम्पे, हेलो टेम्पे, ये है जी बेस्ट वेज प्रोटीन। जो वेजिटेरियंस है उनके लिए बहुत ही बढ़िया सी ऑप्शन आ गई है वेज प्रोटीन की। अभी कई लोग मुझसे पूछेंगे कि टेम्पे है क्या, है ना। आपको मैं टेम्पे के बारे में बता दूं, टेम्पे जो है ये बनता है होल सोयाबीन को फर्मेंट करके इसे बनाया जाता है, तो ये बिल्कुल भी प्रोसेस नहीं है और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है एंड इज फुल ऑफ प्रोटीन। इसके मतलब 100 ग्राम्स सर्विंग में 18 ग्राम्स प्रोटीन है, 178 कैलोरीज है, एंड इट्स भी लो इन कार्ब, लो इन फैट एंड हाई इन फाइबर। और क्योंकि फर्मेंटेड है तो आपके गट के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। टेम्पे जो है नेचुरल भी आता है और मैरिनेटेड फ्लेवर्स में भी आता है। मेरे पास जो टेम्पे है ये है तवा मसाला, और भी इसके न्यूट्रिशन वैल्यू आपको पैकेट के बैक साइड में मिल जाएंगे। 100 ग्राम सर्विंग में इसमें है 18 ग्राम प्रोटीन, सैचुरेटेड फैट 1.4, कोलेस्ट्रॉल 0, टोटल शुगर 0, नो एडिड शुगर, आयरन रिच, हाई फाइबर, ग्लूटेन फ्री एंड डेयरी फ्री। और ये प्लांट बेस्ड रेडी टू कुक फ्रेश कट तवा मसाला टेम्पे क्यूब्स है। मैं भी इसे फर्स्ट टाइम ट्राई करने वाला हूँ, तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। चलो फिर इसे बनाते हैं और फिर मैं आपको बताऊंगा कि खाने में कैसे है। लेट्स ट्राई इट। हाँ जी, तो सबसे पहले एक बोल में हम ये टेम्पे क्यूब्स को निकाल लेंगे, और आज इस तवा मसाला टेम्पे से हम लोग बना रहे हैं टेम्पे भुना मसाला। ये देखिए कितने बढ़िया से मैरिनेटेड टेम्पे क्यूब्स निकल गए हैं पैकेट से बाहर, प्रॉपर टेम्पे क्यूब्स। जैसे मैंने आपको बताया ना कि होल सोयाबीन को फर्मेंट करके इसे बनाया गया है टेम्पे क्यूब्स को। आप इसे चाहो तो एज इट इज क्यूब्स भी बना सकते हो, आप इसे कट करके भी बना सकते हो, चॉप करके बना सकते हो, आप इसे मिंस करके भी बना सकते हो। तो बहुत ही वर्सेटाइल है ये बनाने में, आप इसे जिस मर्जी तरीके से बना सकते हो। हाँ जी, तो एक पैन मैंने ले लिया है, उसमें ऐड करते हैं ऑयल। ये जो टेम्पे हम यूज कर रहे हैं ये ऑलरेडी मैरिनेटेड है। आप नेचुरल टेम्पे यूज करोगे तो उसे आप मैरिनेट कर सकते हो अपने पसंद से, क्योंकि ये मैरिनेटेड है तो हम इसे एज इट इज ही इस ऑयल में फ्राई कर लेंगे। टेम्पे फ्लेवर्स और मसाले बहुत अच्छी तरह से एब्जॉर्ब भी करता है। टेम्पे बहुत ही अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं, चारों तरफ से एकदम क्रिस्प और गोल्डन हो गए हैं, आप देख सकते हो। अब मैं करता हूँ गैस बंद, फ्राइड टेम्पे को एक प्लेट में निकाल लेते हैं। इतनी बढ़िया खुशबू आ रही है ना, और आप देख सकते हो फ्राई होने की वजह से कैसे गोल्डन और क्रिस्प हो गए हैं। तो फिर से हम वही पैन यूज कर लेंगे, इसी पैन में हम ऐड करेंगे ऑयल। मैं यूज कर रहा हूँ मस्टर्ड ऑयल। ऑयल करते हैं गरम और हम बनाते हैं भुना मसाला ग्रेवी। इसमें ऑयल अच्छी तरह से गरम हो चुका है, आप देख सकते हो। अब हम इसमें बनाना स्टार्ट करते हैं भुना मसाला ग्रेवी। तो सबसे पहले हम लेंगे 2 से 3 प्याज का पेस्ट, इसे अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन करते हैं। मैं ऐड करूंगा 2 से 3 टमाटर का पेस्ट प्योरी, जिंजर गार्लिक पेस्ट, हल्दी पाउडर, देगी मिर्च, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर एंड गरम मसाला। ये भी अच्छी तरह से भुनाई करेंगे हम। कोरिएंडर लीव्स हम ऐड करेंगे, थोड़ा सा पानी। हम इसमें ऐड करेंगे जी कसूरी मेथी, फ्राइड टेम्पे, और अभी तक हमने इसमें सॉल्ट ऐड नहीं किया है, क्योंकि जो हमारे मैरिनेटेड टेम्पे है इसमें ऑलरेडी सॉल्ट होता है, तो हम सॉल्ट उसके हिसाब से ऐड करेंगे, सॉल्ट टू टेस्ट।
क्रीम। तो जी हमारा टेम्पे भुना मसाला बनकर बिल्कुल तैयार है। तो हमारा टेम्पे भुना मसाला बनकर बिल्कुल तैयार है। बहुत ही जबरदस्त खुशबू आ रही है और बनाने में तो बिल्कुल टाइम नहीं लगा मुझे, बहुत जल्दी बन गया है और बहुत वर्सेटाइल भी है टेम्पे। आप इसको अपने कुकिंग में किसी भी तरह से ऐड कर सकते हो, जैसे कि मैंने टेम्पे को अपने करी में डाल के इसे टेम्पे भुना मसाला बना लिया है, उसी तरह से आप टेम्पे से टिक्का कबाब बना सकते हो या अपने सैलेड में ऐड कर सकते हो। बहुत ही वर्सेटाइल है टेम्पे विद फुल ऑफ प्रोटीन। पे तवा मसाला क्यूब से मैंने बनाया है टेम्पे भुना मसाला, और साथ ही में मेरे पास है पेरी पेरी टेम्पे क्यूब्स एंड शेजवान चिली टेम्पे क्यूब्स। और तो की बातें करते हैं टेस्ट करता हूँ, टेस्ट लेता हूँ टेम्पे। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, ऐसे लग रहा है कि मैं कुछ नॉनवेज डिश ट्राई करने वाला हूँ। इसे आप टेम्पे भुना मसाले को अगर लच्छा पराठे के साथ खाओगे ना तो बहुत मज़ेदार लगेगा, लेकिन मैं इसे फर्स्ट एज इट इज ही खाऊंगा क्योंकि टेम्पे एक्चुअली कैसे टेस्ट करता है पता लगेगा। देता हूँ फर्स्ट बाइट। वेरी नाइस, वेरी यम्मी, वेरी डिलीशियस। और जो इसकी बाइट है ना, बाइट और इसका जो टेक्सचर है वो बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे मैं कुछ नॉनवेज खा रहा हूँ। सॉरी वेजिटेरियंस, मतलब मैं नॉनवेज भी खाता हूँ, लेकिन इसका टेक्सचर बिल्कुल ऐसे लग ही नहीं रहा है कि मैं कुछ वेज खा रहा हूँ। मतलब बहुत ज़्यादा इसका जो टेक्सचर और जो बाइट है वो मुझे मटन जैसी लगी है, नॉनवेज जैसी लगी है, बहुत ही ज़्यादा यम्मी लगा है मुझे। और एक बाइट लेता हूँ यार। तो मसालेदार जैसे मुझे चाहिए था वैसे बनाइए टेम्पे भुना मसाला। मैं बात कर रहा हूँ ना बाइट और टेक्सचर की, बहुत ही बढ़िया मीठी सा इसका टेक्सचर है, बहुत ज़्यादा स्वाद। और वेजिटेरियन वंस अगेन आपके लिए बहुत ही अच्छी वेज प्रोटीन की ऑप्शन आपको मिल गई है, आप इसे ज़रूर ट्राई करें आप। मुझे तो बहुत ज़्यादा यम्मी लगा है, तो पक्की बात है कि टेम्पे मैं रूटीन में यूज़ करने वाला हूँ, क्योंकि इसे आप लोग बहुत अच्छी तरह से अपने फ़ोन के साथ यूज़ कर सकते हो, बहुत तरीके से बना सकते हो ना। जैसे आज मैंने करी बना ली, जिस दिन इसके कबाब बनाऊंगा, टिक्के बनाऊंगा, तो सैलेड में ऐड कर दूंगा, क्योंकि प्रोटीन तो हमें अपनी डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए होता है ना। बाकी अगर आप भी टेम्पे ट्राई करना चाहते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके टेम्पे के प्रोडक्ट्स ट्राई कर सकते हो, देख सकते हो, चेकआउट कर सकते हो। अगर आपको अच्छे लगे तो आप भी इसे यूज़ कर सकते हो, द न्यू वेज प्रोटीन टेम्पे। तो मैं इसे फिनिश करता हूँ। बाकी वीडियो अगर आपने यहाँ तक देखी तो वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और इंस्टाग्राम पर मुझे जरूर फॉलो कर लें, लिंक स्क्रीन पे देख सकते हो। तो ऑल राइट देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, कीप सपोर्टिंग द चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन लव यू, टेक केयर, बाय बाय।